क्या हम सत्य सत्य बोलते ही जाएं और क्या हम सत्य को बोल सकते हैं? क्या हम सत्य को जानते हैं कि सत्य को बोलें? क्या सत्य है तो हम ठीक ठीक पहचानते हैं कि सत्य क्या है, तो उसको पहचान के बोलें कि ये सत्य है, तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा, जो सत्य मालूम है उसको बोलते ही जाएं? तो पहली बात तो ये है कि सर्वसाधारण को, साधक को अभी सत्य का ज्ञान ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यदि जाने हुए सत्य को कोई बोलने लग जाए तो वो पागल माना जाएगा। पत्नी वाली बात माता से नहीं कहनी है, माता वाली बात पत्नी से नहीं कहनी है, विचार पूर्वक तो बोलना है ना। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंच नांगरकम ब्रूयात एक धर्म सनातन। मनु जी ने इसकी व्यवस्था की, तो दोनों में मस्तिष्क पर नियंत्रण चाहिए। यदि आप बुद्धि को अपने काबू में नहीं रखते हैं, जो अनसंतनाप सनाप मन में आया उसको सत्य के नाम पर बोलने लगे, तो आपके मनोराज्य का नाम सत्य नहीं है। आंख आपको धोखा देती है, जीभ आपको धोखा देती है, त्वचा आपको धोखा देती है, मनोवृत्तियां आपको धोखा देती हैं, कैसे बोलेंगे सत्य? शंकराचार्य भगवान इसकी ऐसी व्यवस्था भाष्य में दी है, केवल आपको प्राचीन जो ग्रंथ हैं और आचार्यों के जो भाष्य हैं उनके स्वाध्याय के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ। कभी कभी आप उस पर भी दृष्टि डालें। कहते हैं सत्यन का अर्थ है अमृत वदन के आगे है, झूठ मत बोलिए। सत्य बोलते ही जाइए, जो आपको मालूम हो तो बोलते जाइए, जीभ पर नियंत्रण रखिए, परंतु कम से कम झूठ तो मत बोलिए। जो आपकी जानकारी है आपके इंद्रियक अनुभव के विपरीत है, आपके मानसिक अनुभव के विपरीत है, आपकी अनुभूति के विरुद्ध है, उसको तो कम से कम मत बोलिए। बोले अच्छा, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, झूठ नहीं बोलते हैं तो जितना ज्ञात सत्य है सब बोलते हैं? तो कोई भी अपने ज्ञात सत्य को सब समय में, सब देश में, सब व्यक्ति के प्रति बोल नहीं सकता। इसलिए बोलने में क्या कायदा रखना चाहिए? सत्यम हितम मितम ब्रूयात अभिसंवादी पेशलम। आप अब देखो, तप में आ गया, संयम हो गया, अभी यम नहीं संयम हो गया। कैसे संयम हुआ? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच जत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। बोलिए, परंतु ऐसा मत बोलिए जिससे किसी को उद्वेग हो। बोलिए, परंतु ऐसा मत बोलिए जो झूठ हो। बोलिए, परंतु ऐसा मत बोलिए जो सुनने में कटु हो। मनुष्य जब बोलता है तो वो अपने आप को जाहिर करता है। जैसे आदमी बमन करे तो क्या करेगा? जो खाया हुआ होगा उसी का तो बमन करेगा ना। जो पेट में पहले से होगा, भरा हुआ होगा, वही बमन में निकलेगा। तो ददतु ददतु गाली गालिमंतो भवंता। काशी में मैंने बचपन में पढ़ा था प्रतिवादी भंकराचार्य जब आए थे और पद्मनाभ शास्त्री से गाली गलौज का शास्त्रार्थ हो रहा था, तो उसमें छपा था
ददतु ददतु गाली गाली मंतो भवंता। आप जैसे धनी आदमी धन का दान करता है, जिसके पास धन है वो धन का दान करता है, तो जिसके पास गाली है वो गाली का दान करता है, और जिसके पास कड़वाहट है कटुता है वो कटुता का दान करता है, जिसके पास संघर्ष है वो संघर्ष का दान करता है। जिस वस्तु की पूंजी जिसके पास है वही तो वो वाणी से निकालेगा। तो आप बोलते समय ध्यान रखिए, क्या अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितांचज। प्रिय हो, मधुर हो और हितकारी भी हो। प्रियंच नानतम ब्रूयात। ये नहीं कि दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, चाटुकारिता के लिए, खुशामद के लिए बनावटी झूठ प्रिय बोले, ऐसा नहीं। सत्य बोलिए परंतु प्रिय बोलिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितांच जत। एक महात्मा हमको बोलते थे, सत्य बोलो प्रिय बोलो, हित बोलो मित बोलो। हितकारी बोलो और मित माने थोड़े में बोलो, कुछ गिने हुए शब्द उसमें हो, कोई शब्द निरर्थक ना हो। अवसरोचित बोलो। भोजन के समय जुलाब की चर्चा नहीं करना चाहिए। सरोचित होवे, थोड़े में होवे, हितकारी होवे, प्रिय होवे, ऐसा बोलना चाहिए। कि न लभ्य तपसा ये स आत्मा। एक सत्य का गुण महापुरुष ने बताया। कौन से साधुओं के चक्कर में घूमते हैं। हमने कोई किसी संस्कृत पाठशाला में पढ़ के, कोई व्याकरणाचार्य की, साहित्याचार्य की, वेदांताचार्य की परीक्षा वरीक्षा नहीं दी है, और संतों की उच्चिष्ट उक्ति है मेरी वाणी। महात्मा ने बताया कि आप यदि सत्य के प्रेमी बनेंगे, सत्य के अभ्यासी बनेंगे, तो एक विशेष गुण का विकास आपके जीवन में होगा। वो क्या है? जानने की कोशिश करेंगे कि सत्य क्या है। संपूर्ण सद्गुणों का फल तो यही है, संपूर्ण सद्गुणों का फल तो यही है कि हम सत्य के जिज्ञासु बने। तमेतम ब्राह्मणा वेदानुवचने न विविदिशांति यज्ञ न दाने न तपसा अनासके न क्या न प्रमदितव्यम धर्मा न प्रमदितव्यम। सत्य से प्रमाद कभी मत करो। यदि तुम सत्य बोलने का अभ्यास करोगे तो जांच पड़ताल किए बिना कभी नहीं बोलोगे, और तब जगत के मूल के बारे में, जिसमें ये नाम रूपात्मक प्रपंच अध्यस्त है, उस अधिष्ठान के बारे में जो इसका प्रकाशक स्वयं प्रकाश है, उसके बारे में, अपने परम प्रेमास्पद आनंद के बारे में जब कुछ बोलोगे, तो आनंद का सत्य रूप क्या है ये जिज्ञासा भी होगी। और उपनिषद आपको स्पष्ट निर्देश देती है, आनंदो ब्रह्म इति यजानात। आनंद तो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, तो जीवन में जो झूठ बोलने का कुसंस्कार पड़ गया है वो छूटे। एक संयम हुआ, इसमें वाक पर संयम हुआ, दुष्कर्म छोड़ दो, देखो संयम आएगा, तो स्वार्थ में भी संयम हो जाएगा, वचन में भी संयम हो जाएगा, मन की घुड़दौड़ में भी संयम हो जाएगा, और परम सत्य की जिज्ञासा भी चित्त में उदय होगी। एक छोटी सी बात और, असत्य बोलना कठिन है और सत्य बोलना सरल है, अनायास आसान है। कैसे?
कि जो देखा जो सुना जैसा अनुभव किया उसको एक बार बोल दिया, कोई उसमें आवश्यकता होने पर बोल दिया, कोई भार नहीं है। पर झूठ बोलने वाले को तो याद रखना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, सिर पर बोझ बनाना पड़ता है, हैं? अपने दिमाग पर बोझ लेना पड़ता है झूठ बोलने वाले को। तो कोई भी साधक होगा, संयमी होगा, तो क्या झूठ बोल करके अपने दिमाग में कूड़ा भर लेगा कि हर समय याद रखें कि भाई ये झूठ मैंने बोला है, अब उसके विपरीत नहीं बोलना चाहिए, और यदि सच बोल दो तो जब जरूरत पड़ेगी तब वैसे ही अनुभव प्रकट कर दोगे और परमेश्वर के बारे में चिंतन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो वाणी के दोष की निवृत्ति के लिए एक गुण संयम में आवश्यक है, सत्य। सत्यम वदन्तम धर्मम वदति इति आहुः, उपनिषद बोलती है। ये सत्य जो है ये विश्व जगत की, संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है। लोग सत्यवादी की शरण लेते हैं, सत्य से पाप दूर होता है, सत्य हृदय को शुद्ध करता है। जो कोई दुनिया में सत्य बोलता है उसके लिए श्रेष्ठ पुरुष ही कहते हैं कि ये धर्म की बात कह रहा है। इसलिए सत्य धर्म है, सत्य धर्म है। माने हमारी इंद्रियों को, हमारे भोगों को, हमारे कर्मों को, हमारी मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने वाला है, संयत करने वाला है, संयम में लाने वाला है। इसलिए सत्य संयम है। अब एक दूसरी बात सुनो, अहिंसा की बात सुनाते हैं। एक होती है हिंसा, हिंसा तो परपीड़न है ना, दूसरे को दुख पहुंचाना, कैसे भी दुख पहुंचाना, बोल के दुख पहुंचाना, मार के दुख पहुंचाना, छीन के दुख पहुंचाना, कैसे भी। आपको तो सुनाया होगा पहले, हमको श्री रामानुज दास जी महाराज ने सुना होगा कि उनको श्री रंगनाथ का के श्री विग्रह का अनुसंधान करते समय पीठ में व्रण का अनुभव हुआ, कि श्री रंगनाथ के पीठ में व्रण है, फोड़ा है, फोड़ा घाव लगा हुआ है। रोने लगे महाराज, कैसे, ये क्या। बोले ये तुम्हारे बागवाण लगे हैं, क्योंकि भगवान के श्री विग्रह में अज्ञान, अनैश्वर्य, अवैराग्य और अधर्म चारों रहते हैं। आठ हैं वो, माने आठ हैं तो ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, धर्म, ये चार जो हैं ये स्तनादि में हैं, और अधर्म आदि जो हैं वो पृष्ठभाग में हैं। श्रीमद् भागवत में भी आया है कि इन आठों को भगवान के आसन में इनका विन्यास करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई, तो भगवान ने बताया कि ये तुम्हारे बागबाण लगे हुए हैं, जरा हिंसा करते समय सावधान रहें, किसी को दुख समझा देते समय सावधान रहें कि हम किसको दुख दे रहे हैं। तो एक होती है हिंसा, और उसके पहले होता है क्रोध है? और क्रोध के पहले होता है द्वेष, और द्वेष के पहले होता है अभिमान, और अभिमान के पहले होती है अविद्या। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश जो है ना, क्लेश जीवन में रहता है। तो संयमी को क्या धारण करना है, आप अपने भीतर से क्या उगल रहे हैं जरा देखना। एक आहार होता है, एक व्याहार होता है। आहार माने बाहर से भीतर खाना, जैसे आप अभी हमारा भाषण सुन रहे हैं ना, तो ये आप कान के द्वारा अंतःकरण के लिए भोजन ले रहे, ये व्याहार, ये आहार हुआ हो, आहार हो, ये श्रोत्र द्वारा, श्रोत्र द्वारा है ना, शब्द के माध्यम से सद व्यवहार, सद्भाव को आप ग्रहण कर रहे हैं, ये अंतःकरण का आहार हुआ, अंतःकरण का भोजन हुआ। आहार अशुद्ध हो, सत्व शुद्धि,
आपका आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। व्यवहार क्या हुआ, अब जब इसको आप सुन के बोलोगे ना या ऐसा आचरण करोगे तो जो आपके अंतःकरण में भरा हुआ है वो जाहिर होगा, अभिव्यक्ति होगी, आत्मा अभिव्यक्ति। आपके अंतःकरण में जो भरा हुआ है उसको जाहिर करना। तो आप देखो हिंसा, जीवन में हिंसा आती है, ये मनुष्य स्त्री हैं, पुरुष हैं, माँ हैं, बेटे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, अथवा शत्रु मित्र का भाव कल्पित कर लिया है सृष्टि में। तो जब किसी का अहित करने का संकल्प मन में आता है, किसी का नाम लेने से, स्मरण करने से, देख लेने से, जब दिल में जलन होने लगती है, ज्वलनात्मिका वृत्ति का उदय होता है, द्वेषक ज्वलनात्मिका चित्त वृत्ति, आग लग जाती है दिल में, आग लग जाती है। अब आप संयम, संयम सीख रहे तो जम आवे, तो न तो आप शरीर से, वाणी से, मन से किसी की हिंसा करें, न किसी के लिए आपके हृदय में जलन होवे, प्रतिहिंसा भी नहीं होगा, प्रतिहिंसा कायरता भी नहीं होवे, प्रतिहिंसा भी नहीं होवे, हिंसा भी नहीं होवे। कई लोग कायर होते हैं, वो तो तमोगुण है, कई लोग हिंसक होते हैं, वो तो रजोगुण है, कई लोग होते तो अहिंसक हैं परंतु समय पर प्रतिहिंसा जाग जाती है मौका आने पर, कब उस समय अपने को नहीं बचाया तो क्या अहिंसक हुआ। तो जीवन में चाहिए अहिंसा। तो क्रोध झूठ को रोकने के लिए सत्य है, और हिंसा को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा है। ये क्रोध जो है इसको क्रोध इसलिए कहते हैं कि भीतर से आती हुई जो सुख की धारा है, चित्त की द्रवता है, उसका शोषण करने वाला ये भाव है। क्रोधाकस्मात, क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं, कम सुखम रुणद्धि इति क्रोधा इत्युच्यते। तो क्रोध क्यों कहते हैं, हृदय में जो क है ब्रह्म है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म कम सुखम, क जो सुख है, क जो दबाव जिसमें आत्मदेव प्रतिबिंबित होते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व लेख शून्य, वासना शून्य, शुद्ध सात्विक द्रवित अंतकरण में जो अपने इष्टदेव का प्रतिबिंब ग्रहण होता है, उस प्रतिबिंब को ग्रहण कराने वाली जो चित्त की अवस्था है, उस चित्त की अवस्था में जो विघ्न डाल दे उसको क्रोध बोलते हैं। यदि आपको क्रोध आ गया तो ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। जितनी देर क्रोध रहेगा ध्यान नहीं लगेगा, आपको दुश्मन की याद, जिस पर क्रोध आवेगा उसकी याद आवेगी कि ईश्वर की याद आवेगी। खूब किसी को गाली दे लो, किसी की निंदा कर लो, किसी पर क्रोध कर लो, और उसके बाद सिद्धासन लगा के बैठ जाओ तो हम ध्यान करेंगे। पहले लड़ाई झगड़ा कर लो और फिर ध्यान करो, तो ध्यान न ध्यान होगा न ज्ञान होगा। इसलिए हिंसा की वृत्ति का निरोध, विरोध नहीं निरोध अपेक्षित है। अनुरोध होता है, एक विरोध होता है, एक निरोध होता है, ये सब अलग अलग होते हैं। तो इनकी व्याख्या आपको तो अभी नहीं सुनाते, एक बात इस प्रसंग, आप संयम के का व्रत लेकर बैठे हैं तो आपको अंतरिक्षण जो है, अंतरिक्षा करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि हमारे दूसरे भाई को, साथ वाले को गुस्सा आता है, ये देखने के लिए नहीं, अपने आप में गुस्सा कब आता है। पहले कुत्सा होती है, बोला कुत्सा, कुत्सा के प्रति निंदा का भाव आता है, ये घृणित व्यक्ति है, कुत्सा घृणा,
और उसके बाद खुस्सा आता है, खुनस आती है मन में, उसके बाद गुस्सा आता है और गुस्सा के बाद गुस्सा चलता है। तो आओ एक विचार करें। एक बार पंडित मोतीलाल जी नेहरू ने मालवीय जी से कहा कि मालवीय जी आप 100 गाली हमको दो तो हम कुछ नहीं कहेंगे बदले में। मालवीय जी ने कहा कि चुप रहो, हम अपनी जबान गंदी क्यों करेंगे, हमारी जबान गंदी हो जाएगी तब ना हम तुमको गाली देंगे और तुम सहन करोगे, तो हम अपनी जबान ही क्यों गंदी करेंगे कि तुमको सहन करना पड़े। मन एक जबान को गंदी करने वाली चीज है, हृदय में आग लगाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। क्रोध करने वाले को अपने मन में जो कल्पना है वो इतनी सच्ची मालूम होती है कि दूसरे के मन की कल्पना बिल्कुल झूठी मालूम पड़ने लगती है। ये क्रोध में बड़ी भारी अविद्या, बड़ी भारी बेवकूफी गुस्से में ये है कि वो अपने मन की, यद्यपि इस सृष्टि में अविद्या और अविद्या का जितना कार्य है वेदांत की रीति से, माया अविद्या और माया अविद्या का कार्य वो सब अनिर्वचनीय ही है, और अनिर्वचनीय कक्षा कुक्षी निक्षिप्त होने के कारण कहीं भी उसमें पक्ष ग्रहण करने योग्य नहीं है। परंतु अविद्या के वशवर्ती जो जीव है वो किसी न किसी पक्ष में अभिनिविष्ट हो करके दूसरे के पक्ष पर आक्रमण करता है। तो क्रोध जो है वो अविद्या का कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभिमान पर चोट लगती है, तुम हमारी पत्नी हो, हमारे मन में जो आया सो ही तुमको मानना पड़ेगा। कहती है तुम हमारे पति हो, हमारे मन में जो आया सो तुमको मानना पड़ेगा। कोई नोट है कि तुम्हारे मन के अनुसार जेब में से निकालो चाहे जिसको दे दो। व्यक्ति जो होते हैं उनके तो अपना मन होता है, अपना संस्कार होता है, अपनी धारणा होती है, अपने जन्म जन्म के संस्कार होते हैं। उन पर जब दूसरा व्यक्ति अपना संस्कार चलाने जाता है या अपने विकार का जब मुहरा बनाना चाहता है तब क्रोध आता है। तो ये अविद्याकृत है, द्वेष कृत है, अभिनिवेश कृत है, इसलिए क्रोध जो है वो स्वयं क्लेश है। तो इसके लिए देखो, एक तो भाव ये हो जो सिद्ध पुरुष है उनकी बात नहीं करते हो, वैसे तो हम लोग कई सिद्ध ऐसे सिद्ध पुरुषों के पास जाते थे जो गाली से कम बात ही नहीं करते थे। तो सिद्धों की बहुत गाली सुन चुके हैं, और जब कभी प्रसन्न होते तो पूछते कि महाराज आप गाली देते हो तो और गाली सुन, बोले हमारी गाली तुमको बुरी लगती है। तो जीवन में तो बहुत सारी गालियां सुननी पड़ती हैं, तुमको सहन का अभ्यास कैसे होगा, सीख जाओ हमसे, ऐसे सिद्ध लोग बोल देते हो। तो सिद्धों की बात नहीं करते, साधकों की, संयमियों की, व्रतियों की बात करते हैं। पहली बात यह है कि एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तो क्रोध किसके ऊपर। दूसरी बात यह है कि सब ईश्वर की लीला है, उसमें क्रोध किसके ऊपर। तीसरे, अपना अहंकार क्षुद्र है, उसको क्रोध करने का क्या अधिकार है। चौथे, हमारे मन का नहीं होता तो उसके मन का होता है, इसमें क्रोध काहे का। ये तो आपने सुना ही होगा कि हमारे मन का जब होता है तब तो शंका भी है कि कहीं भगवान ने हमारी वासना के अनुरूप हमारी लिहाज करके कुछ न कर न दिया हो, लेकिन जब हमारे मन के विपरीत होता है तब तो शुद्ध भगवान की इच्छा है, और हमको उस समय इतना प्रसन्न होना चाहिए कि वाह वाह आज हमारे प्यारे ने हमारे मन की नहीं चलाई अपने मन की। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। कोई व्रत लेता है तो उसको और भी सावधान रहना पड़ता है।
आपने गुस्सा आवे, क्रोध आवे, किसी के लिए दुर्वचन निकल जाए, कटु भाषण हो जाए, संघर्ष जनक अथवा संघर्ष जन्य वचन निकल जाने पर सावधान रहना चाहिए, तुरंत भगवान का नाम लेने लग जाओ, मौन हो जाओ, भगवान का नाम लेने लग जाओ, तो थोड़ी देर जा करके भगवान के सामने मंदिर में खड़े हो जाओ, किसी महापुरुष के पास जाके बैठ जाओ, पहले से ये व्रत रखो कि एक बार क्रोध आवेगा तो किसी गरीब को 10 रुपया देंगे, निकालो, देखो निकलता है कि नहीं, रुपए की याद आ गई, अच्छा छोड़ दो रुपए की बात, छोड़ दो, एक सप्ताह तक नमक नहीं खाएंगे, ठीक है, खर्च नहीं है, इसका मनोविज्ञान बिल्कुल सीधा है। जिस समय आपके भीतर से क्रोध की अभिव्यक्ति होने लगे, इस समय शत्रु का स्मरण न हो करके रसांतर हो जाना चाहिए। रसांतर कैसे होगा, याद आएगी कि भाई अगर कुछ कह देंगे तो 7 दिन नमक खाने को नहीं मिलेगा, तो नमक की याद आ जाएगी, है ना, 7 दिन दूध नहीं पिएंगे, कर लो नियम, 7 दिन शक्कर नहीं खाएंगे, जो आपको प्रिय हो उसी को छोड़ने का नियम कर लो, इतना जप करेंगे, इतना दान करेंगे। देखो हिंसा की जो वृत्ति है, हिंसा की वृत्ति है उसको वश में करने के लिए अहिंसा की जीवन में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो असत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए सत्य न असत्या, अक्रोधे न क्रोधम, ये सामवेद में मंत्र ही है, वो सत्य से असत्य पर विजय प्राप्त करें, अक्रोध से क्रोध पर विजय प्राप्त करें, धम्मपद में बुद्ध का जो धम्मपद है ना उसमें इस मंत्र को ज्यों का त्यों ले लिया हुआ है, श्रीमद् भागवत में दूसरे ढंग से है। तो क्रोध पर विजय करने के लिए अहिंसा का व्रत, काम पर विजय करने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत, अभी चर्चा करते हैं, बीच में अक्षय है ना, इसलिए उसको बताने के लिए ब्रह्मचर्य का नाम पहले ले लिया। काम रूप दोष पर विजय करने के विजय प्राप्त करने के लिए एक ब्रह्मचर्य, असत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सत्य, क्रोध और हिंसा पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अहिंसा, लेकिन लोभ पर विजय करने के लिए महानुभाव दो है। इसका अभिप्राय क्या है, जब राजा अपने सैनिक की नियुक्ति करे और एक के विरुद्ध एक मल्ल युद्ध में एक के विरुद्ध एक पहलवान, एक सैनिक नियुक्त कर दिया गया, लेकिन कोई ऐसा शत्रु सामने आया कि राजा एक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए 2 सैनिक नियुक्त करे, तो उस शत्रु को बड़ा प्रबल समझना चाहिए। 5 ही तो आपके पास यम है, उनमें से एक असत्य के लिए, एक क्रोध के लिए, एक काम के लिए, और दो लोभ के लिए। ये क्या श्रीमद् भागवत में आया है, क्रोध जो है वो क्रिया निर्वृत्ति होने पर, काम और क्रोध दोनों ये क्रिया पर्यंत पहुंच के अपने आप शांत हो जाते हैं, काम का आवेश भोग से और क्रोध का आवेश हिंसा से निवृत्त हो जाता है, उसकी समाप्ति है, पर लोभ का जो आवेश है वो धन की प्राप्ति से शांत नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में आया है, श्रीमद् भागवत में नुस्खे हैं वो इन भोगों के, जैसे आपके शरीर में कोई रोग हो, टीबी हो, श्वास कास हो, माने राजक्षमा होवे, श्वास कास आदि रोग होवे, प्रतिष्ठा होवे, ज्वर होवे, तो उसके लिए डॉक्टर लोग, वैद्य लोग नुस्खा बताते हैं, और श्रीमद् भागवत में मानस रोगों के लिए नुस्खे बताए हुए हैं। संकल्पात जयेत कामम, क्रोधम काम विवर्जनात, अर्थालर्थे क्षयालोभम,
भयम तत्वावमर्शनात्। ये सातवें स्कंध में एक एक मानस रोग का नाम लेकर के उसके प्रतिभट का, उसके प्रतिद्वंद्वी का उल्लेख मिलता है श्रीमद् भागवत में। तो ये लोभ महाराज नारद बड़ा मीठा है, मनोराज्य करने में भी मीठा लगता है, प्राप्ति के पहले। आया संसार में चार प्रकार के सुख मनुष्य को मिलते हैं, वैशेषिक दर्शन के उपस्कर वृत्ति में इस चारों का उल्लेख मिलता है। मनुष्य को एक तो संसार में अभिमान जन्य सुख होता है, भोगता कुछ नहीं, भोग नहीं कर रहा, हमारे बैंक में हमारा इतना है, न खाने के काम आवे, न पहनने के काम आवे, एक बल बैठा हुआ है। तो ये अभिमान जन्य सुख, क्या कोई हमारी बराबरी करेगा, हमारे इतनी जमीन, इतना मकान, इतने अनुजाई। नेताओं का अभिमान होता है कि हमको इतने वोट देने वाले, हमारी इतनी ऊंची कुर्सी सुरक्षिता, तो ये अभिमान जन्य सुख होता है। तो धन में अभिमान जन्य सुख भी है, दूसरे मनोरथ जन्य सुख होता है कि हम इससे ये करेंगे, ये मनोरथ जन्य सुख होता है, तीसरे भोग जन्य सुख होता है, चौथे बोले अभ्यास जन्य सुख होता है। बोले संसार में जितने प्रकार के सुख हैं, ये चारों में सीमित है। अब ये धन जो है ये दो प्रकार से बांटता है, लोग दो प्रकार से बांटता है, एक तो हम दूसरे के हक की वस्तु ले लेना चाहते हैं, इसमें स्ते का संग्रह है, दूसरे की वस्तु जो हमारे हक की नहीं है, उसकी अनुमति के बिना, उसकी स्वीकृति के बिना हम लेना चाहते हैं, इसमें डाका अलग होता है ना, इसमें ठगी अलग होती है और इसमें चोरी अलग होती है। और ये जो है ना, चोरी तो होती है, वो आदमी सो रहा हो अनजान में ले जाए तो चोरी हो जाएगी, ये स्ते है ना, और सामने उसके जागते रहते हो, सोने के बदले पीतल देके उसको ले ले तो क्या हुआ, ये ठगी हो गई, और उसको लेके डंडा खड़े हो गए कि रख दो, तो ये लूट हो गई। ये सब स्ते के अंतर्गत, तो दूसरे के हक को छिपा कर ले लेना, ठग के धोखा दे के ले लेना, या बलात् ले लेना, ये सब स्तेय के अंतर्गत है। मीठी कैंची, मीठी मीठी बात कर रहे हैं, कहा हम तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ये सौदा तुमको दे रहे हैं, और भीतर से जेब काट रहे हैं कि इसका पैसा हमारे पास आ जाए, वो भी स्तेय में है, वो भी स्तेय में है। ये राम नामी अंगूठा उड़ने से है ना, हम लोग तो काशी के हैं, आप जानते हो बनारसी हैं, सवेरे जब व्यापारी लोग उठते हैं और केवल अंगोछा, लाल अंगोछा कमर में लगाए और हाथ में लोटा लिए हैं और शिव शंकर शंभो बोलते हुए गंगा जी जा रहे हैं, तो मालूम पड़ता है कि धर्म मूर्ति जब विश्वनाथ जी में जाकर जल चढ़ाते हैं, हर हर महादेव, तो मालूम पड़ता है कि धर्म की मूर्ति जा रहे हैं। और जब दुकान पर बैठते हैं महाराज, हे भगवान कहाँ गई गंगा जी, कहाँ गए हर हर महादेव, कहाँ गया वेद पत्र, राम राम जपना बड़ा मान अपना, राम राम जपना। तो ये जो है वृत्ति, ये दूसरे के हक की वस्तु लेने का नाम है। और परिग्रह क्या होता है, चीज अपने हक की हो, परिश्रम से कमाई हुई हो, केवल परिश्रम ही नहीं, अपने हक की होने में कई हेतु होते हैं, अपने पिता की संपत्ति अपने को प्राप्त हो गई तो भी अपने हक की है, किसी ने दान दे दिया तो भी अपने हक की है, परिश्रम से कमाया तो भी अपने हक की है। और पहले राजा लोग युद्ध करके विजय प्राप्त कर लेते थे,
तो वो भी अपने हक की हो जाते थे। ऐसे सात आठ सात हेतु उत्तराधिकार में बताए हुए हैं। तो वो आपके हक में दाय की उत्पत्ति में, आपके हक की उत्पत्ति में चाहे कोई भी हेतु हो, बाप से मिली हो, कमाई से मिली हो, दान से मिली हो, कैसे भी मिली हो, लेकिन अपने हक की होने पर भी आवश्यकता से अधिक अपने पास रखना, इसका नाम परिग्रह होता है। परिग्रह ये लोभ की ही एक वृत्ति है। जैसे चौर्य जो है ये लोभ की एक वृत्ति है, वैसे परिग्रह भी लोभ की एक वृत्ति है। तो कई लोग तो चोरी और परिग्रह दोनों करते हैं। कई लोग बेचारे गरीब हैं तो चोरी तो करते हैं, परिग्रह नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चोरी नहीं करते हैं परंतु परिग्रह करते हैं। वो संसारी की चर्चा नहीं करते, जो अर्थ ही को सब कुछ मानते हैं। पैसा आपसे प्रेम करता होगा, आप पैसे से प्रेम करते हैं कि पैसा आपसे प्रेम करता है? पैसे को तो जेब कतरे के पास जाने में भी कोई संकोच नहीं है, वो तो एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में पैसा रोता नहीं है। हमारे गांव में तो ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक था कंजूस, उसने हाथ में लिया रुपया, महाराज नोट नहीं था, रुपया था वो चांदी का पुराने जमाने का, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, मुट्ठी में लिया, भुनाने के लिए निकला, गर्मी का दिन, पसीना हो गया हाथ में, पसीना हो गया, बोला आहा तुम हमसे रुपया, ओ हो तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, हमारे वियोग की कल्पना से ही तुमको आंसू आ रहे हैं, रो रहे हो है? तो मैं मरी जई हूँ तोहे न भजई हूँ, कोहका देख देख जियरा बुझई हूँ, है ना। मैं बढ़िया लोग जो है व्यापारी लोग समझते हैं पैसा हमसे प्रेम करता है पैसा। अरे बाबा पैसा तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे दुश्मन के घर जाए उसको एतराज नहीं, चोर के घर जाए तो उसको एतराज नहीं, जेब कतरा ले ले उसको एतराज नहीं, पैसा तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम पैसे से एकांगी प्रेम करते हो, तुम एक जड़ से प्रेम करते हो, तुम्हारी वृत्ति जड़ाकार, जिससे प्रेम करोगे वही उसी का रूप, उसी की आकृति, उसी का आकार तुम्हारी वृत्ति में आहित होगा। और तुम्हारी वृत्ति जब जड़ हो जाएगी तो तुम भी जड़ से तादात्म्य अपन्न हो करके जड़ हो जाओगे। तो यम में जो पांच है ना, झूठ का विरोधी सत्य, हिंसा की विरोधिनी अहिंसा, और चौर्य का विरोधी अस्तेय, काम का विरोधी ब्रह्मचर्य, और संग्रह परिग्रह का विरोधी परिग्रह। ये शुभग्रह नहीं है बोला, ग्रह आकाश में रहते हैं, परिग्रह ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दिल में तुम्हारे कलेजे में रहते हैं। विग्रह परिग्रह संग्रह ये सब जो ग्रह हैं, बुद्धे फलमनाग्रह, यदि तुम बुद्धिमान हो तो भीतर के ग्रहों से तो बचो, भीतर के ग्रहों से बचो, ये भीतर के ग्रह बहुत कष्ट देने वाले हैं। तो संयम के मार्ग में चलना माने यम को धारण करना, उसकी चर्चा फिर हम प्रसंग प्राप्त होने पर आपको और सुनाएंगे। ओम शांति शांति।